अरे मैं तेरे लिए नींद आ गई। बिट्टू के लिए गाना गा रहे हैं हम। ये करा रहे फिजियोथेरेपी बेबी को, इसको निमोनिया था, बहुत दिनों के बाद ये वेंटिलेटर से बाहर आया है, ना उम्मीद। पर हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, इसलिए बेबी हमारे पास है ऑक्सीजन पे। इसके घर वाले बहुत खुश हैं। अब मैं ये वीडियो इसलिए डालूंगी क्योंकि एक बार मैसेज आया था कि हमारे बेबी का वीडियो भी डालो, और हम खुश हैं कि बेबी अब अच्छा है। मैंने यही बोला था, जब आपका बेबी ठीक होगा मैं तभी डालूंगी, है ना। उरी परी परी परी। और ये थेरेपी हम इसकी मदर से ही करा रहे हैं, एकदम गाउन बना के। लड्डू ये मेरे को ही देख रहे हैं, मुझे जान गए, ये पहचान गए। करे ओहो दीदी, आप थी जो मुझे परेशान करती थी, आप थी जो मुझे परेशान करती थी। ये भी इतने समझदार हो जाते हैं। एक और दिखाऊं, एक और, एक ये देखो, ये भी बहुत दिनों के बाद, और अब ये रुक नहीं रहे हैं। देखो ये सब मशीन से बाहर आए हैं बहुत लंबे समय में, देखो, बट अब ये रह नहीं रहे हैं अंदर, वार्मर में रहना नहीं चाहते, रोते रहते हैं। देखो देखो एक्टिविटी अब नो। ये केएमसी के बाद रोते हैं, इनकी मदर इनको लेके बैठती है ना, फिर इनको आदत हो जाती है, उसके बाद ये वार्मर में नहीं रुकते हैं। बट इनकी मदर को आराम चाहिए होता है, इसलिए इनको छोड़ के जाना है। और एक ये है, ये प्रीटम बेबी है, ये बहुत प्रेमी थी। अब इसका वेट 1 किलो हो गया है, इसका वेट 1 किलो हो गया है। ये देखो, ये केएमसी कराने के बाद इनकी हालत ऐसी होती, इनको नींद नहीं आती बिना मदर के। देखो चिट्टू की आदत, एक हाथ, ये साहब वाले हाथ पे इसलिए हमने ग्लव्स बनाया है क्योंकि ये अपनी ओजी ट्यूब जो है इसको निकाल देती है, अभी पूरा फीड नहीं कर पाती है, इसलिए हम आधा ओजी से पिलाते हैं, आधा इसको कटोरी चम्मच से। वो वाला भी आवाज दे रहा है, इसको देखो कैसे, अब खुद ये तो खुद की एक्सरसाइज खुद करती है। देखो देखो, और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं घर गई थी, तो मैं नहीं कर पाई। एक को तो मैंने सुला दिया बहुत मुश्किल से, वो भी प्रोन पोजीशन पे सोई है, उसको लग रहा है कि मैं अपनी मदर के साथ, इसलिए देखो। प्यारी सी गुड़िया, देखो ये भी बहुत मुश्किल से, इनको लगता है बस मदर के पास ही रहे अब हम। देखो अपने पे लगे हुए हैं, ये खुद की एक्सरसाइज कर रही है, देखो ये खुद की एक्सरसाइज लगी हुई है, इस ये खुद की एक्सरसाइज लगी हुई है, रोने वाली है। और ये देखो कैसे रो रही है, ये भी अब सारे रो रहे हैं। और ये हमारा छोटू करा रहा है चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये लॉन्ग टर्म तक था वेंटिलेटर पे, इसलिए इसके चेस्ट में निमोनिया कॉज हो गया था, और बहुत ज़्यादा स्पूटम, अभी ऑक्सीजन पे है और हैप्पी है। देखो कितना हैप्पी है बिट्टू, कुकु, इसको आराम मिल रहा है। कुटू कुटू कुटू।